हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जो है मैं आज जो है आपके लिए हमेशा ऐसी रेमेडी लेकर आती रहती हूँ जिससे आपके जो है बालों में इफेक्ट हो, बालों में मजबूती आए, चमकदार बने। उसी प्रकार से मैं जो आज लेकर आई हूँ रेमेडी, वो भी इसी प्रकार की है। अगर आपको बालों में स्प्लिटिंग्स की प्रॉब्लम है, बाल रुके सूखे बेजान है, दो मुहे बालों की प्रॉब्लम है, या फिर आपके बालों में ग्रोथ रुक गई है, एक टाइम के बाद जो है ग्रोथ रुक जाने का भी एक रीज़न है, अगर हम बालों की केयर नहीं करते हैं तो बालों की ग्रोथ डेफिनेटली रुक जाती है। तो ऐसे हमें क्या करना चाहिए, अपन जो है मैं आज जो रेमेडी बताने आपको जा रही हूँ वो है नॉर्मल सी रेमेडी जो हमारे घर में मौजूद होती है, और घर में मौजूद होने के बावजूद उसमें ऐसे जो है विटामिंस होते हैं, ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारे बालों को काफ़ी हद तक लंबा, घना और मजबूत बनाने में कारगर होता है। तो ऐसी क्या रेमेडी है, उसको क्या जो है कैसे लगाना है, कैसे नहीं लगाना, बहुत ही नॉर्मल सी है, सबके घरों में मौजूद होती है। तो जैसे अपन बात कर लेते हैं प्याज के रस की। प्याज के रस में ऐसे विटामिंस, ऐसे प्रोटीन और फोलिक एसिड और जो है ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे बालों में जाने के बाद हमारे बालों में जान लाता है, चमकदार बनाता है, लंबा करने में मदद करता है। साथ ही जो है अगर हमारे बालों की ग्रोथ रुक गई है, पतले हो रहे हैं, नीचे से हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है, या उसमें बाउंस नहीं है, शाइन नहीं है, तो वो एक शाइन जो है ऐड करता है। देखिए, मैंने ये जो है आज इसको ट्राई किया है, दोनों रेमेडी जो मैं आज वीडियो में बता रही हूँ उसको मैंने ट्राई किया है, और उसके जो है रिजल्ट आप देख सकते हैं आपके सामने है। मैंने मेरे बालों में कोई रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग वगैरह कुछ भी नहीं करवा रखी है, बस ऐसे ही जो है मेरे बालों में मैं नेचुरल चीज़ें जो है इस्तेमाल करती हूँ, और उन्हीं पे मैं जो है ट्रस्ट करती हूँ, उसी से मेरे बाल जो है अच्छे होते हैं। तो आप भी ज़रूर से ट्राई करें। वेलकम बैक टू माय चैनल, माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है पूजा शर्मा और चैनल का नाम है नेचुरल ब्यूटी। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुझे, अगर आपको लगता है कि आपके लिए वर्थ है चैनल, तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। चलिए रेमेडी क्या है देख लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मोरिंगा लीव्स की, इसको जो है सहजन भी बोलते हैं, सहजन या ड्रम स्टिक भी इसे बोलते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिसका जो ट्री है इस प्रकार से दिखता है, आप देख लीजिएगा, मैं इसको पिक जो है यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी। तो इसको आप, ये जो है अगर आपके पास लीफ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास लीफ नहीं तो इसका पाउडर भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं, बहुत ही ईजिली मिल जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, और ये जो शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है, और विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स के जो है इसके अंदर सोर्स होते हैं, बहुत ही अच्छे जो है केराटिन और बीटा केराटिन का ये सोर्स होता है, और बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल जो है ये होता है। देखिए, हम इसे जो है मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, और ग्राइंड करने के बाद हम इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें या तो इसको छान कर इसका वाटर को इस्तेमाल करना है, इसकी वाटर में सारी गुडनेस आ जाएगी, या अगर आपको इसके जो है ग्रेन्यूल्स बालों में थोड़े से अटकते हैं, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप मेहंदी में इसे डाइल्यूट करके लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छान कर इसका जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ग्रेन्यूल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो है ये सूखता है तो अपने आप झड़ जाता है, और ऐसी कोई परेशानी हमें नहीं आती है, हमें गुडनेस ज़्यादा मिलती है बल्कि। तो देखिए, हम ऐसा करते हैं कि हम इसको इस प्रकार से इस्तेमाल, इसको जो है मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है, मिक्स करने लग गई हूँ मैं। तो हमें देखिए, इसके अंदर जो है मैं अप्लाई करना दिखा रही हूँ आपको, इस प्रकार से ब्रश की हद से आप अप्लाई कर सकते हैं, बालों को पहले अच्छे से कॉम करें, देन आप इसको जो है अप्लाई करना स्टार्ट करें। अगर आप कॉम करके अप्लाई करेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, टेंगल्स नहीं रहेंगे, और जो है बाल एकदम जो वॉश होंगे वो एकदम स्मूथली वॉश होंगे। देखिए, मैंने जो है अभी कॉम भी नहीं किया है अच्छे से, फिर भी मेरे बाल जो है एकदम स्मूथ लग रहे हैं। तो एप्लीकेशन बहुत ही इजी है, देखिए आपको जो है मेहंदी की भी इसमें गुडनेस मिल रही है। मेहंदी हमारे बालों में क्या बेनिफिट नहीं देती, बहुत ही अच्छी होती है हमारे बालों के लिए मेहंदी, कंडीशनर का काम करती है, साथ ही बालों में जो है एक कलर ऐड करती है, आपको कोई जो है नेचुरल कलर मिलता है बालों में, एक पिगमेंट मिलता है, बालों को मोटा करती है, थिन एयर जिनके है वो थिक होने लग जाते हैं। जैसे जैसे हम ग्रेजुअली इसका इस्तेमाल करते हैं, हमारे बालों में देखते हैं हम कि बाल मोटे होते जाते हैं। बाल मेहंदी बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट रेमेडी के लिए मैंने ले लिया है प्याज और एलोवेरा। प्याज और एलोवेरा जो है आप सभी जानते हैं कितना जो है बेनिफिशियल होता है हमारे बालों के लिए। एलोवेरा हमारे बालों के लिए जो है एक मॉइस्चर को लॉक करता है, स्केल्प को क्लीन करता है,
और सल्फर कंटेंट जो है प्याज का हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। गंजे सर पे बाल उगाने की ताकत जो है प्याज में मौजूद होती है, आप सभी जानते हैं। तो इसको मैंने जस्ट ग्राइंड कर लिया है, ग्राइंड करके इसका जो है जूस एक्सट्रैक्ट जो है निकाल लिया है। जूस को अप्लाई करना बहुत ही ईजी है। आप एक मलबल के कॉटन के कपड़े को लीजिए और जो है पूरे बालों में आप अपने लगा सकते हैं, और लगा के जो है 1 घंटा आप रख सकते हैं। और एक घंटा रखने के बाद से आप शैम्पू कर सकते हैं किसी भी माइल्ड शैम्पू से या फिर आपके किसी फेवरेट शैम्पू से। रेमेडी को अगर आप 1 मंथ तक ऐसे ही फॉलो करते हैं दोनों रेमेडीज़ को, तो आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट जो है अपने बालों में देखने को मिलते हैं। मुझे भी, मैं इसको बहुत ट्राई कर रही हूँ और ट्राई करने के बाद ही मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर करती हूँ। तो देखिए, इसी प्रकार इसको अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद इसको आप रिजल्ट जो है आपके कॉमेंट सेक्शन में दे सकती हैं। बहुत ही ईजी जो है ये रेमेडी मैंने आपको बताई है, सब लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, बच्चे बूढ़े सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इसमें केमिकल नहीं है। मोरिंगा जो है एक नेचुरल ट्री है, प्याज एक नेचुरल जो है चीज़ होती है जो हम सब खाने में इस्तेमाल करते हैं। और जो है एलोवेरा, तो आप सभी को पता है कि क्या कि मैजिक है हमारे बालों के लिए और हमारी स्किन के लिए एलोवेरा। हेलो फ्रेंड्स, सो फिर अब बात आती है इसके रिजल्ट की। तो आप रिजल्ट देख सकते हैं सामने, आपके सामने जो है ये रेमेडी का रिजल्ट है। मैंने इसे यूज किया, इस्तेमाल किया, और देखिए आप एक तरह की शाइन देख सकते हैं। ये देखिए आप, बहुत ही अच्छी शाइन जो है मेरे बालों में आ गई है और मुझे बहुत ही अच्छे जो है इसके बेनिफिट मिलते हैं। और मैं आपके साथ जब रेमेडी शेयर करती हूँ, जब मुझे उसके बेनिफिट मिलते हैं, तभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर। और आपको मेरी ये प्रस्तुति कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार, टेक केयर, बाय, लव।